हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनु और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट सैंड रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप के अगले 15 दिन क्या रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं और कौन से बदलाव आ सकते हैं, तो वो देखेंगे। और अगर यहाँ पर कृष्णा मैसेज हुए तो वो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। अगले 15 दिनों में आपके स्वभाव में बहुत चेंज आने वाला है। इनर चेंजेस आप बहुत देखोगे अपने आप में। पीस तो मुझे लगी रही है यहाँ पे, कामनेस पीस। यहाँ पर किसी भी बात की स्ट्रगल नहीं है। जैसे आप स्ट्रगल करा करते थे ना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, तो वो उस चीज़ की जो भाग दौड़ कोई किसी तरह का स्ट्रेस या वो, यहाँ पे मुझे वो नहीं लग रहा है। मुझे एक जैसे जो आपने अपने ऊपर काम किया है स्पिरिचुअली, उसका जैसे आप बैठे बस फल खा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से जान लिया है। तो कहीं ना कहीं इनर ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम्स अब आपको प्रॉब्लम्स जैसे नहीं लगती हैं। कुछ ना कुछ उसमें आप ढूंढ लेते हो, पॉजिटिविटी भी ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई लेसन भी ढूंढ लेते हो। और अब आपको ये भी पता लग जाता है कि यूनिवर्स ने अगर ये प्रॉब्लम आपको भेजी है आपकी दुनिया में, तो उसके बिहाइंड लेसन क्या था और मोटिव क्या था यूनिवर्स का, यानी कि आपको क्या सिखाना चाहते थे और क्या आपसे रिलीज करवाना चाहते थे। तो कुछ इस तरह की भी आपकी वो रहेगी, यू नो, क्लैरिटी। जैसे है ना कि सब कुछ क्लियर हो जाता है अब आपको। मैं राइट नाउ की बात कर रही हूँ, अगर अभी नहीं तो हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में ये एनर्जी हो, इसी वजह से यहाँ पे मैसेज है ये। अगर आपको लगता कि अभी भी कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं हैं तो वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं अगले 15 दिनों में। ये फिर से मुझे स्वभाव वर्ड नज़र सुन रहा है, तो ये शायद आप जिसके बारे में सोच रहे हो या कनेक्टेड हो उनके बारे में हो सकता है ये, किसी फैमिली मेम्बर के बारे में हो सकता है ये, किसी और के स्वभाव में भी काफ़ी काफ़ी चेंज आ रहा है, वो हो सकता है ये मैसेज। आप बहुत सुंदर लगने वाले और बहुत सुंदर लग रहे हो राइट नाउ। अपने भीतर की तरफ काफी ध्यान रहेगा आपका, यानी कि हर्मिट में ज्यादा रहोगे आप, कि अंदर देख पाएं कि सब कुछ ठीक है। और अपनी शैडो सेल्फ, अगर शैडो सेल्फ से रिलेटेड अगर कुछ आपका उभर के आता है तो आप उसको तभी इम्प्रूव कर लेंगे, समझ जाएंगे और इम्प्रूव कर लेंगे। क्लैरिटी तभी भेजी जाती है कि आप समझें चीज़ों को। ईगो माइंड हम लोगों को समझने नहीं देता कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ईगो माइंड को एक तरफ रख देते हैं, कृष्णा से जुड़ते हैं, डिवाइन से जुड़ते हैं, तो चीज़ों को समझ पाते हैं। आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ने वाले हो, अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ने वाले हो, तो किसी तरह की ट्रू सेल्फ आपकी निखर के, यहाँ पे मुझे वर्ड सुन रहा है, निखर के बाहर आ सकती है। तो
ये आपका कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जो अभी भी छुपा हुआ आपसे, आपके कोई गिफ्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपकी ऑथेंटिक सेल्फ, आपकी ट्रू सेल्फ जो निकल के बाहर आ रही है और आप समझ पा रहे हो और उससे जुड़ पा रहे हो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से। जैसे सोल का कोई हिस्सा छुपा हुआ था आपसे, कोई पावर हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है, कोई आपकी गिफ्ट हो सकता है जो छुपा हुआ था, वो आपके सामने आ सकता है, रिवील हो सकता है, और आप उससे थोड़ा हैरान भी हो सकते हो उससे। और आपकी दुनिया में थोड़ी सी हलचल भी मुझे नजर आ रही है। ये हलचल मुझे बताया जा रहा है कि ये जो चेंजेस आने वाली चेंजेस हैं, और ये चेंजेस आप ही के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा भी है, तो ये बदलाव, ये हलचल उसी के बारे में है। अगर आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस खत्म की जाएगी। तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस खत्म होगी तो आप एक्सेप्टेंस में जाएंगे, एक्सेप्ट करने लग जाएंगे चीजों को। तो वो हलचल है या किसी भी तरह की चेंज है, इनर या आउटर, वो आप आपको कुछ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहेगी, क्योंकि आप बहुत काम कर चुके हैं अपने ऊपर। सो डोंट वरी। आपकी दुनिया बेहतर और बेहद सुंदर होने वाली है, ये मैंने सुना मैसेज बेटर होने वाली है। तो कुछ हलचल के बाद जो दुनिया होगी वो बहुत सुंदर होगी। किसी भी तरह की जो चेंज आएगी आपके पर्सनल, उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपके करियर में, किसी तरह का जो भी बदलाव आएगा वो बहुत सुंदर होगा और आपको बेटर लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। तो यहाँ पर जैसे कोई डर गया एकदम से, और अभी क्या, अब और क्या जैसे कॉन्टिन्यूसली किसी की लाइफ में हलचल है तो वो ये रीडिंग को सुन के डर जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, सो डोंट वरी, सो डरने की जरूरत नहीं है। कृष्णा को सौंप दो सब कुछ कृष्णा यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि हमने तो कब से सौंप दिया है, सब कुछ कृष्णा को दे दिया है, किसी बात की चिंता नहीं है कुछ लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे आने वाले 15 दिनों में, वो इसीलिए कि आपके भीतर जो बदलाव आ रहे हैं इस वजह से। कईयों की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, तभी वो स्पिरिचुअल गिफ्ट का मैसेज था, क्योंकि आपकी जब कुंडलिनी अवेकनिंग अवेकनिंग होती है तभी आपके कुछ गिफ्ट्स जो हैं सामने आते हैं जो पहले नहीं पता होते हैं। तो उस वजह से हो सकती है किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर से आप जुड़ने जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने गाइड्स को सुन पाएंगे और देख भी पाएंगे। वाह विजन्स पहले से आपकी बेटर हो जाएंगी।
जो लोग ओम के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं उनके थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाली है। एंड डोंट वरी, जिनकी कुंडली अवेकनिंग होने वाली है ना, वो उनके सारे चक्रास जो है बैलेंस हो जाएंगे, अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो अगर आपको आप वरीड करते हो इस चीज़ के लिए, वरी करते हो कि मेरे तो दो तीन चक्रास जो हैं इम्बैलेंस हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी जो है सारे चक्रास को अपने आप अलाइनमेंट में ले आती है और बैलेंस भी कर देती है। यहाँ पे ट्रुथ है, ट्रुथ किसी किसी भी उसका हो सकता है, ट्रुथ अपने बारे में जानना, ट्रुथ को किसी तरह का ट्रुथ सामने आ सकता है आपके। ये ट्रुथ आपके अपने बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है ये ट्रुथ। तो किसी तरह का सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ये सच्चाई, ये ट्रुथ वही होगा जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपी होती हैं, खुद की लाइफ के बारे में नहीं पता होता हम लोगों को, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या हमारा लाइफ पर्पस है, बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के बारे में भी हम लोगों को वो मिले। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि जो आपके लिए ज़रूरत होगी, जो राइट नाउ की समय के हिसाब से जो ज़रूरत होगी, वो सच आपको पता लगेगा। तो डोंट एक्सपेक्ट, कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि फिर हमारा दिल टूट जाता है कि हाँ, मैंने तो, मुझने तो ये जानना था, मुझे कुछ और मिला जानने के लिए। तो वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आपकी स्थिति के अनुसार या आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत होगी, वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो डिवाइन के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा वो करने की ज़रूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा डिवाइन, वो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग किसी ट्रुथ की वजह से, इस ट्रुथ की वजह से किसी तरह के पैटर्न को ब्रेक कर पाएंगे, किसी साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे, उस साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। जैसे किसी को पता लगे कि हाँ, मेरे ये खाने की वजह से या इस तरह की हैबिट की वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो वो पर्सन जो है, जब उसको पता लगेगा कि हाँ, ये इस वजह से हो रहे हैं, तो वो पर्सन जो है अपने बेटर ध्यान रखना शुरू कर देगा। तो किसी तरह की साइकिल से बाहर निकलना, किसी तरह के पैटर्न को तोड़ना कि हाँ, मुझे अब इस तरह से खाना नहीं है, या ये चीज़ें नहीं खानी है जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वो उस तरह का किसी तरह के पैटर्न को ब्रेक करेगा और अपनी डाइट को चेंज करना, या अपनी हेल्थ के लिए बेटर चॉइसेस वो करनी है, एक्सरसाइज को चुनना या कुछ भी ऐसा। तो इस तरह के साइकिल या पैटर्न से बाहर निकलना कि हाँ, मुझे ये रिपीट नहीं करना, और मुझे अपने मतलब हेल्थ बेटर चाहिए, और मुझे और हेल्थ इश्यूज क्रिएट नहीं करने हैं। कुछ लोगों की जर्नी में तेजी आने वाली है। यहाँ पे मुझे सुन रहा है कुछ लोगों के करियर में हो सकती है ये, आप ग्रोथ देख पाओ एकदम से, प्रोग्रेस ज़्यादा, या फिर आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, रिलेशनशिप जर्नी में भी हो सकता है कि एक तरह की फास्ट, यहाँ पे एकदम से स्पीड है, यहाँ पर रफ्तार है यहाँ पर।
किसी तरह का अगर टावर मूवमेंट होगा यहाँ पर तो उसमें से आप बच जाओगे। कहीं को होता ना कि हाँ मेरा नाम ना आ जाए, जैसे ऑफिस में होती है ना कॉन्स्परेसी चलती रहती है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं पर भी तो आपको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, आप बच जाओगे। तो आपको वो यू नो किसी तरह की गिल्टी फील करने की या वो डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपके सोलमेट्स हैं और जिनसे दूरी हैं आपकी, वो भी पास आते हुए रिलेशनशिप भी आपके बेटर होते हैं नजर आ रहे हैं अगले 15 दिनों में। और किसी तरह की यूनियन और रीयूनियन भी पॉसिबल लग रही है मुझे यहाँ पर। अगेन मैं मैसेज आ रहा है जैसे मेरे हमेशा ही आता है कि इम्पेशेंस नहीं होना आपको, ठीक है ना। जो हो रही हैं चीज़ें वो होने दीजिए। तो यहाँ पे ना किसी को, जैसे मैं अभी लेट हो गई हूँ यहाँ पे क्रिसमस ट्री जैसा बन गया है तो किसी को क्रिसमस ट्री लगाने की ज़रूरत है, डेकोरेट करने की ज़रूरत है। मैं खुद लेट हो गई इस बार, नहीं तो मैं बिगनिंग ऑफ दिसंबर ही लगा था तो यहाँ पे मिडल में जो है वो क्रिसमस ट्री बन गया है तो डेकोरेट करने की ज़रूरत है आपको, घर को आपको अच्छा लगेगा। अगले 15 दिनों में आप बोलने वाले कम हो और सुनने वाले ज़्यादा हों। तो जैसे मैंने पहले बोला, पीस पीस में जब हम लोग जाते हैं ना तो वैसे ही नहीं हम लोगों को बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो या अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आपके लिए मैसेज हो सकता है कि सुनिए ज़्यादा। तो काफ़ी सारे मैसेजेस हो सकते हैं कि आपके लिए आ रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो, इग्नोर हो जाते हैं मैसेजेस। तो डिवाइन की तरफ से अगर आपके पास कोई किसी तरह की सोल्यूशन, क्लैरिटी, मैसेजेस आ रहे हैं तो वो मिस मत कीजिए। पीस के साथ कनेक्टेड रहिए और डिवाइन के साथ भी कनेक्शन में रहिए। डिवाइन के साथ भी आप अलाइनमेंट में तभी रहते हो जब आप पीस में रहते हो। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो या पास्ट की इश्यूज या कुछ भी ऐसा, फिर वो आप मिस कर जाते हो। डिवाइन कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आप मिस कर जाओगे। यहाँ कईयों के लिए मैसेज है कि फ्ल्यूट म्यूजिक जो मैंने लगाया हुआ है, जिस तरह से ये फ्ल्यूट म्यूजिक आपका सुनना आपके हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं हील कर सकता है। तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो अपने हार्ट चक्र पे आप काम करना चाहते हैं तो फ्ल्यूट म्यूजिक, जो भी स्पेशली कृष्णा से कनेक्टेड है ना, उनको फ्ल्यूट म्यूजिक जरूर सुनिए। बहुत ज़्यादा सूदिंग और बहुत ज़्यादा पीस में लेके जाता है। बहुत ज़्यादा जैसे आप काम करते हुए भी आप लगा के चुपचाप पीस में आप यू नो अपने काम करते जाइए और अपने आप आपका हार्ट चक्रा हील होता रहेगा। तो फ्ल्यूट म्यूजिक यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, या आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो शायद, इसलिए है यहाँ पर मैसेज। ये मैसेज फिर से आ रहा है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हो अगले 15 दिनों में। कईयों के लिए काफ़ी सारी खुशियां देके जाएगा ये जाते जाते ये साल, तो इस वजह से अगले 15 दिनों में काफ़ी रफ्तार है यहाँ पर चीज़ों में आपके लिए, फास्ट मूवमेंट है। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी है। आपको किसी तरह की जस्टिस भी मिल सकती है, किसी तरह का बैलेंस या जस्टिस, तो वो भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये जर्नी कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कि कईयों की आसपास ही 15 दिन में हो या उससे आगे थोड़े समय में ही, 1-2 महीने में यहाँ पर जस्टिस, किसी तरह की जस्टिस अगर आप लोगों को चाहिए, तो
तो वो आती हुई मुझे नजर आ रही है आपके लिए। ये जस्टिस आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके करियर से, आपके आपके पाथ से रिलेटेड हो सकती है, लोगों से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन वो आ रही है आपकी तरफ ये जस्टिस। आप बेटर काम करने वाले हो और बेटर फोकस करने वाले हो, ठीक है। आप लोगों के लिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस। किसी भी हालत में आपको पीस को चूज करना है, एक तो ये गाइडेंस है आपके लिए। और यहाँ पर बहुत लोगों को सरेंडर करने की जरूरत है, कि तो अगर आप किसी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और फिर वो जब अगेन आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर कर दीजिए, जो होगा वो डिवाइन अपने आप देख लेंगे और जो चेंजेस आएंगी वो अपने आप आ जाएंगी। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए या अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से आप ही के लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो ये थी आज के लिए रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।